दीपा का क्वेश्चन ये है कि कैसे हर समय में हम जाने कि क्या स्टेप हमें लेना है। तो वो साधना से ही होता है। जब तक आप, जैसा मैंने पूरे इसमें कहा है कि अंटिल यू रीच टू दैट स्टेट ऑफ रियलाइजेशन, जहाँ कोई प्रश्न नहीं रहता, बिल्कुल क्लियर है, टिल देन दिस इज साधना। साधना से जितना ज़्यादा अलाइनमेंट होगा, क्यों, उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगी एंड कॉन्फिडेंस आएगा कि ये क्या, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पे मैटर में ऐसी नहीं है कि जो फिक्स्ड हो। हमेशा ही इन्हीं तीन चीज़ों से वो आती है, सेंसिटिव, हाउ मच सेंसिटिव यू आर टू सी, हाउ मच यू आर फॉलोइंग वैल्यूज, और हाउ मच नॉलेज यू हैव अबाउट दैट। ये तीन और ट्राइड से फिर बढ़ते 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 चला जाता है। तो इन्हीं पे आधारित है, सेंसिटिविटी इज द ग्राउंड, वो जो बताती है कि ये है, उस समय उसी से वो क्लैरिटी आती है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वो हर क्षण बदल रहा है, एक पार्ट इटर्निटी। क्या आज अभी हम इस क्षण बोलते बोलते तब तक बदल गया सिचुएशन, क्या सिचुएशन खड़ी हो जाएगी उसमें, हाउ सेंसिटिव यू आर अकॉर्डिंगली, हाउ मच वैल्यू ड्रिविन यू आर, हाउ मच नॉलेज यू हैव, कितनी साधना है टू एग्जीक्यूट दैट अकॉर्डिंगली वी विल डू। सो दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस। सो